वेलकम टू वेबलाइन। हावरान का ब्रेकअप अपनी गर्लफ्रेंड से हो चुका था, पर अभी तक वो उसे भुला नहीं पाया था, तो वो बार बार उसे देखने के लिए जा रहा था। तो थर्ड मास्टर उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है एंड अपने कुछ बॉडीगार्ड को हावरान के पीछे लगा देता है। हावरान उसे कुछ नहीं कहता। वो गुंडे कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थर्ड मास्टर की मिस्ट्रेस बन गई है, तो तुम उसे भूल जाओ और यहाँ पर दोबारा मत आना। वो बॉडीगार्ड उसे मारने के लिए आ रहे थे, पर हावरान चाकू लेकर खुद ही मर जाता है। जियानियू तो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। फिर वो कहती है कि ये लड़का क्या पागल है, अभी वो स्टूडेंट है, उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि किसी लड़की के पीछे भागना चाहिए। ये सुनकर नेथर किंग कहता है कि तुम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती, पहले तुम्हें पूरी बात जाननी चाहिए। पर नेथर किंग की नजरें जाती है जियानियू की और वो थोड़ी डरी हुई थी। तो नेथर किंग उसे पूछता है कि क्या तुम आगे का नजारा नहीं देखना चाहती, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी रोक देता हूँ। पर जियानियू कहती है कि मुझे जानना है कि आगे क्या होगा। आगे हमें हावरान के मरने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हावरान के डैड कहते हैं कि ये सारी उस लड़की की गलती है, अगर वो लड़की हमारी जिंदगी में आती ही नहीं तो हमारे बेटे के साथ ही होता ही नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा मेरी वजह से मरा है, अगर मैं उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखती तो वो मरता ही नहीं। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने उस लड़की को डराया धमकाया ताकि वो हावरान से ब्रेकअप कर ले, एंड उसने ऐसा कर भी दिया। आगे हावरान जाता है थर्ड मास्टर के घर पर। थर्ड मास्टर की बहन मर चुकी थी, उसकी बहन वही लड़की थी जो कि हावरान ने उसे पहले पजेस्ट किया था एंड बाद में उसको अपनी टैक्सी में भी बिठाया था। हावरान थर्ड मास्टर की बातों को सुनता है। थर्ड मास्टर कहता है कि उस लड़की ने मुझे बस नाटक करने को ही कहा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं, इसलिए बस मैं तो नाटक कर रहा था, पर मुझे क्या पता कि ये सब कुछ हो जाएगा। ये जानकर हावरान को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। जियानियू कहती है कि इसमें हावरान की और उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, गलती तो हावरान के माँ बाप की है। तो नेथर किंग कहता है कि उसके माँ बाप अभी भी उसी लड़की पर ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि गलती तो उन लोगों की है, पता नहीं ये इंसान ऐसे क्यों होते हैं। हावरान उस लड़की के पास जाता है एंड उसे माथे पर किस करता है। वो कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही कुछ सहना पड़ा, पर आज से तुम मुझे पूरी तरीके से भूल जाओगी और एक अच्छी लाइफ को जियोगी। वो उसे गुड बाय कह के वहां से चला जाता है, क्योंकि हावरान को लेने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट ग्रीम रीपर आए थे जो कि नेदर वर्ल्ड में ही काम करते हैं। नेथर किंग जियानियू से कहता है कि हावरान ने पुनर्जन्म लेने के बारे में सोच लिया है। जियानियू सोचती है कि बेचारे की इस जिंदगी तो नरक से पूरी भरी थी, पर मैं आशा रखती हूँ कि उसकी अगली जिंदगी में वो रिच मैन बने। नेथर किंग कहता है कि यह चांद आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, तो जियानियू कहती है कि हाँ। तो नेथर किंग कहता है कि यह आत्माओं को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जियानियू को अचानक से ही ख्याल आता है कि ये इनेन कहाँ मर गई है, वो उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रही, युवान क्या अभी होटल में होगा, मैं तो उसके बारे में अब सोच भी नहीं सकती। नेथर किंग कहता है कि क्या तुम थक गई हो, क्या तुम बीमार हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि क्या कहा, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाओ, क्या तुम मुझे देखना भी नहीं पसंद करती। तो वो सोचती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। इतना सोचते ही वो स्माइल करने लगती है। तो नेथर किंग कहता है कि स्माइल करना बंद करो, तुम बहुत ही ज्यादा अगले लग रही हो, बिल्कुल सुअर की तरह। तुम जब भी ऐसे दांत निकाल कर स्माइल करती हो तो मुझे सुअर की ही याद आ जाती है। सियानियू कहती है कि तुम भला मुझे सुअर कैसे बुला सकते हो, देखो निंगजी यूनिवर्सिटी में मैं ब्यूटी क्वीन हूँ और लाखों लड़के मुझ पर मरते हैं। तो नेथर किंग कहता है कि अब झूठ बोलना भी बंद करो, तुम एक भी लड़के से ठीक तरह से बात नहीं कर पाती हो, अब तुम्हारा बात करना हो गया हो तो हम क्या कुछ काम की चीज करें। तो सियानियू कहती है कि मुझे पता है कि लड़कों से किस तरह से बात करते हैं। तो नेथर किंग कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा डंब हो, तुम्हारी स्किन मोटी है पर चल जाएगी। इतना कहते ही वो उसे किस करता है। जियानियू उसे दूर धक्का दे देती है। तो नेथर किंग गुस्से में आ जाता है, पर अभी गलती से जियानियू ने उसके लोटस निशान को टच कर लिया था एंड उसका दिल मानो जैसे थम ही गया हो। वो कहता है कि क्या तुम इसे फिर से टच करना चाहोगी। जियानियू उस निशान को फिर से टच करती है तो फिर से उसे ठंड लगने लगती है। जियानियू कहती है कि मैं तो ठंड के कारण बस मर ही जाऊंगी।
उड़न खटोले में सेनेटर किंग गायब हो जाता है। तुसियानियो कहती है कि व्हाट द हेल, अब वो कहाँ चला गया, पर अचानक से ही वो उड़न खटोला भी गायब हो जाता है। तुसियानियो नीचे गिरने लगती है, वो जोर जोर से युवान का नाम चला रही थी। इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। उसे सपने में दिखाई देता है कि नेथर किंग, वो जब 5 साल की थी तब आया था। वो कहता है कि तुम तो अभी छोटी हो, पर कोई बात नहीं, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अचानक से ही सियानियो की आंखें हॉस्पिटल में खुल जाती है। इनिन कहती है कि अच्छा है कि तुम उठ गई, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तो सियानियो कहती है कि रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी हम जिंदा है। इनिन कहती है कि तुम्हें भला क्या हो सकता है, तुम्हारी तो बॉडी प्योर इन की बनी है। तो सियानियो पूछती है कि क्या कहा, प्योर इन? तो वो कहती है कि बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। आगे सियानियो फिर से सो जाती है एंड इस बार उसके सपने में आता है कि हाउरन ने युवान को मार दिया है। वो इस बुरे सपने से उठ जाती है। वो कहती है कि युवान मर चुका है। इनिन कहती है कि क्या कहा, उस भूत ने युवान को मार दिया? मुझे तो उस भूत पर पहले से ही शक था कि वो हमें मारने की ताकत रख सकता है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। सो इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।